पानीपत का तीसरा युद्ध। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इट डिड नॉट डिसाइड हु विल रूल इंडिया बट इट डिसाइडेड हु विल नॉट रूल इंडिया। यानी कि इस युद्ध से ये तय नहीं हुआ कि भारत पर कौन राज करेगा, पर ये तय हो गया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा, और वो थे मराठा। ये बात है 1761 की, जब मुगल अपनी चमक खो चुके थे और भारत में सबसे बड़ी शक्ति थे मराठा। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली रुख करता है भारत की तरफ और उसे रोकने के लिए मराठा और अब्दाली की सेना में युद्ध होता है पानीपत में। मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे पेशवा बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ। मराठा सेना छापामार पद्धति और पथरीले इलाके में लड़ने की आदी थी। अब्दाली की सेना को रोकने के लिए हजारों मील दूर पानीपत तक आने में भी उन्हें काफी कठिनाइयां हुई। अंततः इस युद्ध में अब्दाली जीत जाता है और करीब 100,000 मराठा इस युद्ध में मारे जाते हैं। ये पराजय इतनी बड़ी थी कि उसके बाद मराठा अपनी शक्ति को इस स्तर पर कभी भी फिर से संयोजित नहीं कर पाए।